नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आप मेरा देख रहे YouTube हैं मेरा चैनल यू YouTube आर चैनल गॉड। यू आर गॉड। और इस और YouTube इस चैनल YouTube में चैनल में मैं आपको मैं अपने अलग आपको अलग अपने अलग आध्यात्मिक अलग अनुभव आध्यात्मिक बताता हुआ अनुभव आया बताता हूँ। हुआ आया हूँ। देखिए, देखिए, बहुत सारे बहुत सारे लोग हैं लोग हैं जो जो अपनी ज़िंदगी अपनी में ज़िंदगी में बहुत मेहनत बहुत करके मेहनत सफलता करके पाते हैं। सफलता जी पाते हाँ, हैं। जी हाँ। और और सफलता पाने के सफलता लिए पाने के लिए उनको उनको बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ज़्यादा करना स्ट्रगल पड़ता है, करना पड़ता है, मेहनत करनी मेहनत पड़ती करनी है। पड़ती है। और और अपना सारा अपना समय, सारा समय, अपनी सारी अपनी सारी ताकत, ताकत, अपनी सारी अपनी सारी एकाग्रता एकाग्रता और और तन मन धन तन मन से धन से प्रयास करना प्रयास पड़ता है, करना तब पड़ता है, जाकर तब जा के करके किसी भी किसी क्षेत्र भी में वो क्षेत्र में सफल हो वो पाते सफल हैं। हो जी पाते हाँ। हैं। जी हाँ। और और देखिए, देखिए, वास्तव में वास्तव स्ट्रगल में क्या है? स्ट्रगल क्या है? ये एक ये एक सीखने का सीखने प्रोसेस का है। प्रोसेस है। और और भगवान हमको भगवान हमको स्ट्रगल इसलिए स्ट्रगल देते हैं इसलिए ताकि देते हैं हम ताकि सीख हम सकें। सीख सकें। देखिए, देखिए, भगवान ने एक भगवान ने बार एक बार एक एक आध्यात्मिक अनुभव में आध्यात्मिक मुझसे अनुभव कहा में था मुझसे कहा कि था कि अब आगे अब का आगे इलाज का इलाज तो इस तो संसार इस रूपी संसार प्रयोगशाला रूपी में ही प्रयोगशाला होगा। में ही जी होगा। हाँ। जी हाँ। और इस और बात इस का ये बात का मतलब ये है मतलब है कि कि जब आप किसी जब भी आप किसी भी कंपटीशन में कंपटीशन में सक्सेस होने के सक्सेस लिए, होने के किसी लिए किसी कैरियर में कैरियर में या किसी या बिजनेस किसी में, बिजनेस में किसी या कला किसी में कला में या किसी भी या काम में किसी भी जब काम में सक्सेस जब होने के लिए सक्सेस होने मेहनत के लिए करते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते स्ट्रगल हैं, करते हैं, वास्तव में वास्तव में वो वो एक एक प्रोसेस है प्रोसेस भगवान है का, भगवान का जिसमें वो जिसमें वो भविष्यवाणियां करते भविष्यवाणियां हैं। जी करते हाँ। हैं। जी हाँ। मतलब मतलब आपको शायद ये आपको शायद बात ये पता बात नहीं पता होगी, नहीं कभी होगी, आपने कभी ध्यान भी नहीं आपने दिया ध्यान भी नहीं होगा, दिया होगा, लेकिन वास्तव लेकिन में अगर आप वास्तव में इस अगर आप प्रोसेस इस को प्रोसेस बारीकी को से देखें बारीकी तो से पता है क्या देखें तो होता पता है है? क्या होता है? जो कुछ भी जो आपने कुछ भी फेलियर के आपने वक्त फेलियर के किया है, वक्त किया है, थोड़े से थोड़े सुधार से के साथ सुधार में के साथ वही में आप वही आप सक्सेस के समय सक्सेस करते के हैं। समय जी हाँ। करते हैं। जी हाँ। और मैंने और देखा मैंने कि देखा कि ज़्यादातर बातें जो ज़्यादातर होती हैं ना, बातें वो जो होती रिपीट हैं वो होती हैं। रिपीट होती हैं। और और ज़्यादातर ज़्यादातर क्रियाकलाप भी क्रियाकलाप भी रिपीट होते हैं। रिपीट होते हैं। जिंदगी इस जिंदगी प्रकार से इस चलती प्रकार से है। चलती है। और अगर इसका और अगर इसका उदाहरण उदाहरण देकर के मैं दे आपको करके मैं समझाना आपको चाहूँ समझाना तो चाहूँ तो देखिए, देखिए, जैसे जैसे स्टडी के समय, स्टडी के समय, पढ़ाई के समय क्या पढ़ाई के होता समय है? क्या होता है? कोई भी कोई भी स्टूडेंट स्टूडेंट एक टेबल एक पर टेबल पर और एक चेयर और एक पर चेयर पर बैठ जाता है। बैठ जाता है। एक कभी कभी कोई कभी कभी लैंप भी कोई होता है लैंप उनके भी साथ, होता है उनके ठीक साथ। है, ठीक बुक्स है। होती हैं, बुक्स होती हैं। कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर होता है। ठीक है, ठीक है। और और उस पर उस पर रोजाना रोजाना 6-7 घंटे6-7 वो घंटे वो व्यतीत करते हैं व्यतीत पूरी करते हैं एकाग्रता पूरी के एकाग्रता साथ। के साथ। और और तब जा करके तब जा उनको करके अपनी पढ़ाई उनको अपनी में या पढ़ाई जिसमें में भी या जिसमें भी सफलता मिलती है। सफलता ठीक मिलती है। है। ठीक है। बाद में ये बाद में लोग ये लोग कहीं ना कहीं जॉब कहीं ना लग कहीं जाते जॉब हैं, लग किसी जाते हैं बैंक में किसी लग बैंक जाते में हैं, लग कोई जाते टीचर हैं बन, कोई कुछ टीचर न कुछ हो ही जाता कुछ है। हो ही जाता है। कोई ना कोई कोई काम ना कोई इनको काम इस इनको प्रकार इस का मिल ही प्रकार का जाता है, मिल ही क्योंकि जाता इन्होंने है मेहनत क्योंकि की इन्होंने हुई है, मेहनत की हुई है। 6-7 घंटे छः सात रोज घंटे रोज नियमित रूप से नियमित रूप पढ़ाई की से हुई है, पढ़ाई की हुई तो है। बाद तो में बाद भी में भी यही उनकी यही उनकी दिनचर्या, दिनचर्या भविष्यवाणी बन भविष्यवाणी करके बन करके और उनका और कैरियर उनका बन जाती कैरियर है। बन जाती है। और और कैरियर में कैरियर में उनको इसी प्रकार उनको का इसी काम प्रकार मिलता का है। काम मिलता है। अब अब दूसरे प्रकार दूसरे के प्रकार लोगों के को ले लोगों लीजिए, को ले लीजिए। उनकी उनकी दिनचर्या इस दिनचर्या प्रकार की इस होती है प्रकार कि की होती है वो कि वो अपने दिन अपने दिन का का 6-7 घंटे 6-7 घंटे बाहर घूमने बाहर फिरने में घूमने बिताते फिरने में हैं, बिताते हैं। लोगों से मिलना लोगों से मिलना जुलना, जुलना, मस्ती मजाक मस्ती करना मजाक करना और और सामाजिक जीवन सामाजिक जीना, जीवन जीना, खेल कूद खेल कूद करना, करना, इस प्रकार की इस ज़िंदगी प्रकार की जीते हैं वो। ज़िंदगी जीते ये हैं। लोग पढ़ाई में ये लोग ज़्यादा पढ़ाई बेहतर में नहीं ज़्यादा होते, बेहतर पर नहीं होते। ऐसा पर नहीं है ऐसा नहीं है कि उनकी कि ज़िंदगी उनकी बेकार है, ज़िंदगी नहीं, बेकार है। नहीं, वो वो उस उस बाहरी जगत बाहरी के जगत के जो अनुभव ले जो रहे हैं अनुभव ले रहे हैं वही अनुभव वही अनुभव उनको उनको अपने कैरियर में अपने मिलते कैरियर हैं। में मिलते हैं। या तो उन्हें कोई या तो उन्हें मार्केटिंग कोई जॉब मिल मार्केटिंग जाता जॉब है, मिल जाता है।
जिसमें उन्हें फील्ड में काम करना होता है, या फिर वो कोई शॉपकीपर बन जाते हैं, दुकानदार। और दुकानदारों को जितने भी दुकानदार हैं, भले वो किसी भी स्तर का क्यों ना, छोटे से स्तर से लेकर के बड़े से बड़े शॉपिंग मॉल तक का मालिक क्यों ना हो, उनको लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। हर तरह के लोग आते हैं दिन भर और उसके लिए एनर्जी भी चाहिए और बाहरी दुनिया की लोक व्यवहार की जानकारी भी चाहिए। तो इस प्रकार से जिस तरह की जिंदगी उन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ में बिताई है ना, वही उनका करियर बन जाता है बाद में जाकर के। और ये मैं सामान्य लोगों की बात कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि ज्यादातर जो है ना, बातें रिपीट होती हैं अपनी लाइफ में, और भगवान इसी तरीके से काम करते हैं। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो देखिए, मुझको शुरू से ही हर बात सीखने का एक शौक था। मैंने इतने सारे कोर्स ज्वाइन किए हैं अपनी जिंदगी में, भले ही पूरा उनमें से एक भी नहीं किया हो, पर मैं सब कुछ जान लेना चाहता था इस संसार में। हर प्रकार की गतिविधियों में मैंने हिस्सा लिया है, और भले ही उनमें मैं सफल नहीं हो पाया, पर उनके बारे में जो सार तत्व है, जो नॉलेज है, वो मुझे प्राप्त हुई। और भगवान का यही मतलब था इस बात को कहने के लिए कि आगे का इलाज तो संसार रूपी प्रयोगशाला में ही होगा। इसमें क्या होता है, आपको संसार की असली परिस्थितियों में रख दिया जाता है, और वहां पर आपको अपना सारा कार्यकलाप करना है, सब कुछ सीखना है संसार में रह करके, वहां के वातावरण से, वहां के लोगों से। ये था उनका मतलब। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।